वेलकम बैक दोस्तों। दोस्तों जिस तरह धोनी सर अपने छक्के चौके और हेलीकॉप्टर के साथ साथी में अपने कैप्टनसी को लेकर फेमस है, उसी तरह वो फेमस है डीआरएस के लिए, मतलब बोले तो धोनी रिव्यू सिस्टम। सिस्टम पार देंगे। दोस्तों आज का वीडियो हमारा उसी पर होने वाला है, धोनी के ऐसे डीआरएस डिसीजन जिनको देखकर अंपायर भी शर्मिंदा हो गए थे। दोस्तों टाइम को बर्बाद न करते हुए हम वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर चार पर वीडियो है क्रिकेट वर्ल्ड कप 2011 का, जब युवराज सर ने गेंद डाली और गेंद जाकर एलेक्स क्यूसैक के पैड पर जाकर लगी, लेकिन सबको लग रहा था कि बॉल स्टंप के बाहर जाएगी, लेकिन माही सर को भरोसा था कि बॉल सीधा स्टंप पर लगेगी, इसलिए उन्होंने डीआरएस ले लिया और हुआ भी ऐसा ही कि बॉल सीधा स्टंप के लाइन में थी। गाइस ये देखकर सबके सब हैरान रह गए थे और मानो अंपायर तो बिल्कुल शर्मिंदा हो चुके थे, हैरान हो चुके थे। वो शर्मिंदगी अंपायर के मुंह पर देख सकते हो गाइस। इस डिसीजन के बाद सब लोग झूम उठे थे। दोस्तों नंबर तीन पर वीडियो होने वाला है एशिया कप 2018 का। इस वीडियो में चहल सर बॉलिंग कर रहे थे, बॉल सीधा जमान के पैड पर जाकर लग जाती है, फिर इंडिया गाइस रिव्यू ले लेता है। दोस्तों धोनी रिव्यू सिस्टम का करिश्मा देखने के लिए सब लोग तैयार थे। रिव्यू की जांच पड़ताल शुरू होती है, पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है कि आखिर आउट होगा या फिर नहीं। आप अल्ट्रा एज में देख ही सकते हो कि बॉल बैट पर नहीं लगी थी और बॉल भी स्टंप के लाइन में ही थी। गाइस ये डिसीजन अंपायर को बदल कर आउट देना पड़ा। दोस्तों नंबर टू की क्लिप है एक ओडीआई मैच की, जिस मैच में युवराज सिंह बॉल को हिट करते वक्त उनकी बैट जमीन पर लगती है और सबको लगता है कि बैट बॉल को लगी है। उसी समय जॉस बटलर कैच कर लेते हैं और अंपायर से अपील करती है और इसे अंपायर आउट भी देते हैं, लेकिन उसी समय जरा सी भी देरी नहीं करते हुए माही सर रिव्यू ले लेते हैं। युवराज सिंह को भी लग रहा था कि बैट बॉल को लगी है और वो स्टेडियम से जाने वाले थे, लेकिन आप क्लिप में क्लियरली देख सकते हो कि बैट सिर्फ जमीन को ही लगी है। धोनी के डीआरएस सिस्टम को मानना पड़ेगा दोस्तों। अंपायर अपना डिसीजन बदल के नॉट आउट दे देते हैं, फिर एक बार धोनी रिव्यू सिस्टम दुनिया को चौंका देता है। दोस्तों नंबर वन की क्लिप है इंडिया और श्रीलंका के बीच खेले गए चौथे ओडीआई मैच की, जहां पर गेंद बल्ले को छूते हुए धोनी सर के दस्तानों में जाती है, लेकिन अंपायर इसे वाइड का इशारा देते हैं। सर को बैट की आवाज भी आती है, यही बताते हुए विराट सर को धोनी सर रिव्यू लेने के लिए बोलते हैं और धोनी सर सीधा रिव्यू भी ले लेते हैं। इंडिया के रिव्यू लेने के बाद हम अल्ट्रा एज में साफ साफ देख सकते हैं कि बॉल बल्ले को लगी थी और फिर धोनी सर ने उसे कैच भी कर लिया। उसके बाद फिर एक बार अंपायर अपना डिसीजन बदल कर उसे आउट दे देते हैं। यही थे कुछ टॉप धोनी रिव्यू सिस्टम के मोमेंट्स, जिसने अपने रिव्यू सिस्टम से पूरी दुनिया को दहला दिया और चौंका दिया है। दोस्तों आप धोनी सर के अगर सच्चे फैन हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। और हम मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।